अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी हम मौजूद हैं अपने गांव में और यहां पे हम देसी तरीके से खाना पकाने लगे हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल है, लकड़ी का चूल्हा। चूल्हा तो लकड़ी का नहीं होता, जलाते हैं उसमें हम लकड़ी। लकड़ी कहाँ से लाएंगे वो अभी देखते हैं, लेकिन चूल्हा कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। जल्दी से आ रहे हैं। ब्लॉक उठाएंगे, ब्लॉक उठाने से पहले मेक श्योर करेंगे कि ब्लॉक के अंदर सांप है। सांप है ब्लॉक के अंदर, सांप है, सांप है। इधर यार, काट देगा। यार यहाँ से ले लो, कुछ नहीं होता, यहाँ से ले लो। ये मैं चूल्हे के लिए उठाने लगा था। ये देखें, वो सांप है। मेरी बेगम को बड़ा शौक था लेकिन देख के भाग गई। मुझे कोबरा स्प्रे तो दे दें, कोबरा स्प्रे तो दे दें, कुछ नहीं होता। इधर ले आ जाए, आ जाए, आ जाए। मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, आप ढक्कन उतार दें उसका। ये ले, ढक्कन उतार दें। हेलो, ये देखें, मैं इसको कोबरा स्प्रे कर दिया मैंने। अंदर कर दे, थोड़ा अंदर कर दे, ठीक है। ये अब इंशाल्लाह इससे मर जाएगा। मुझे इसके साथ कुछ और भी नजर आया, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वो नीचे सांप है, मैं अगर दिखा सकूं वीडियो में। और मेरा ख्याल है ये इसे फारे हो गए। ब्लॉग उठाना था, जान भाई कोक ले आए। क्या लेके आए? तो हम बनाने क्या लगे थे, चूल्हा। अच्छा हुआ मैंने एहतियातन उठाया, मैंने पूरा ब्लॉक अभी उठाया नहीं। मैंने कहा पहले सीधा करूं फिर उठाऊंगा। इसके साथ मुझे एक चीज और नजर आई थी, वो मुझे बिच्छू लग रहा था। ये देखें जी, ये बिच्छू है, ये नजर आया, ये बिच्छू है, ठीक है। ये यहाँ पे बहुत खतरनाक चीज होती है, इसलिए यहाँ पे शूज पहन के फिरना पड़ता है। ये देखें, ये बिच्छू है, नजर आ रहा है आपको? ये हिलता हुआ नजर आ रही है, बिच्छू है ये। अभी मैं इसको बेलचा ला के इसको मैं निकालूंगा बेलचे से। ये बिच्छू है। अच्छा, हमने चूल्हा बना लिया, चूल्हा दिखाएं हमें किस तरह का चूल्हा बनाया हमने। और बैक साइड पे थोड़ा सा गैप दें ना हरियान, बैक साइड पे थोड़ा सा गैप दें ताकि हवा लगेगी, तो फिर ये इजिली आसानी से जो है वो चलेगा। तो हम बेगम साहिबा को आवाज देते हैं। अभी तो साथ से वीडियो पॉज करते रहिएगा, ठीक है। इसका ना हम इसकी बनाएंगे वो, ये देखें, ये इसके लिए, ये जब आग रुक जाएगी ना, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है जो इस पर खाना बनेगा। खाना तो बेगम ही बनाएगी, मैं सिर्फ उसको आग जला के दे रहा हूँ, और वो भी देचका वगैरह ला के रखेगी। व्यू जल्दी से 10 सेकंड में दिखाना, ऐसा खूबसूरत भी हो, मजे का व्लॉग होगा। क्या बनाने क्या लगे हम? पुलाव बनाने लगे जी। चना पुलाव जी जी। ओके, बस बस बस, बस वीडियो लंबी हो जाएगी। ये देचका आ गया, ऑयल आ गया, प्याज आ गया। नहीं आना, सही आग लगी है, और सही लगती ना, और ना पूजे तो चले जी। मेरा बिल आ गया, मुझे दुमे बनाते हैं। और अब ये देखें, इस्लाम शाह साहब कुकिंग कर रहे हैं, आज चने वाला पुलाव बनने लगे। अब्बू के दोस्तों को लाजमी दिखाना है, ताकि अब्बू के सारे दोस्त इधर आए। जिसमें तलहा और अहमद की भी मेहनत है, इन्होंने प्याज और ऑयल ला के दिया है। और बहुत ही प्यारी आग लगी हुई है। एक ग्लास पानी में जाते हैं। पानी ले, ये सबसे बड़ा अजाब है यार। ये देखें पीछे कितना प्यारा व्यू है। पानी लाना चाहिए था, जगह बताइए ना। आप लोग अंदर हो जाओ, मरियम ना आए।
फुट प्याज में क्या दबा, इतना देगी कोई नहीं। ये अदरक लहसुन में प्याज भी आ गई। हवा उधर की है तो वो भी धुआं भी उधर जा रहा है। आंखें दिखाओ ना, मेरी आंखें देखो, मेरी आंखों में किस तरह वो आंसू आ रहे हैं। ये अभी प्याज ब्राउन कर रहे हैं, हर पका तो मेरी साथ बेगम भी मैं तो चूल्हा हिला। आग भी देख सकते हैं, ओए आग बुझ गई है, थोड़ी थोड़ी रह गई है। तो भाई आग देख सकते हैं, धुआं भी बेटा बहुत है। आग ना मारे, जोर से नहीं मारे ना, वो मिट्टी भी जाएगी तो बहुत है। इधर मेरी आंखों में भी मार, तो चश्मा पहना ये अभी इसमें ऑयल जाने वाला है और नहीं डाले मरियम जी। तो अभी आग और करने वाले हैं, ज्यादा करने वाले हैं आग। में आप इनका पसीना दे, आंसू देख सकते हैं। तो ये अभी ज्यादा हो रही है सब ना। तो अभी अपने इनको बहाना में याद है, आते थे वो याद है। ओ भाई, तो भाई अभी हमारा खाना बन रहा है। तो भाई यहाँ पे पानी का इतना मसला है कि वो देखे हसन भाई अभी किस तरह उठा के ला रहे। हसन भाई की बहुत मेहनत से उठा के ला रहा भाई, बड़े दूर रहे पानी का नाला, बड़ा मेहनत से उठा के लाया है और इतनी भारी बोतल। यहाँ पे अभी हम और लकड़ियाँ ले आए हैं, ये दिली है, दिली ले आए हैं बल्कि, और ये सदाम साहब कुक कर रहे हैं अभी, और प्याज जलने पे जल गया। तो अभी ये आप आग का लेवल चेक कर सकते हैं, छोटे क्लिप सुनाने। तो गाइस अभी ये ब्राउन मरियम, प्याज ब्राउन हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। तो ये पानी डाल दूं? नहीं पकड़ो यार, ये पानी है और ये प्याज भी ब्राउन हो गया। सीधा रखेंगे, टेढ़ा नहीं कहा। अभी हमने इसमें मिर्ची डाली है और थोड़ा सा पानी डाला है, अब हम थोड़ा सा मसाला और भूनेंगे और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें चावल। ये मेरी वाइफ मुझे अच्छे से करी, मुझे नहीं पकाने आते। ये वो तो अभी बन रहे हैं, चलो के सारे दोस्त देखेंगे फिर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये हमने इसमें पानी डाला थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए पीला इसे आप डाल दिए तो ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। करेंगे इस पे क्या, चने डालेंगे? हां चने डालेंगे, चने डालेंगे, नमक बाद में डालेंगे। अंदर की तरफ कर रहे हैं सारे, एक एक महीने के लिए आए आके अब्बू के पास में। मैं पूछता हूँ 50 साल में कभी एक दोस्त ही तो आया वैसे मरनी की, एक दफा शादी मार थी परवेज आया, मैं छोटे पैर बड़े पैर है, मैं दोस्ती कदर लाई है नहीं। अच्छा छोटे पैर बड़े पैर, मैं इन्हें ना दोस्ती लाई हुआ इसकी है नहीं, मैं गरीबों ना दोस्ती लाई। एक दफा मैंने छत पे भी पकाया उधर जो भी नहीं तो आचा इसकी पता मरियम का साथ वो चने बिल्कुल गली गए इतने आखने हैं ना तो आसान से लुक रहे पकाने रहे हैं, बल्कि इसने आपसों को सब जाई गई इसने उसकी मैं ट्रेनिंग करी की वहाँ गले हैं बच्चे खाई सकता हूँ तू वे खाई पानी। एक सेकंड नमक कितना डाली, नमक कितने अपने जाएगा, नमक मिक्स करना चिश्मा वगैरह चिश्मा वाला वो रस्ते में है ना। हाँ हाँ वो मैं जाऊँगा बढ़ के ले
एक मिनट जी पानी और डालना है पीने ना इस क्लिप में वो बस ये बड़ा लंबा नहीं करना ज्यादा पता है पिस्सू निकाली क्या है ये गर्मी की वजह से गर्मी सर्दी की वजह से गड़ा मिर्च हमने दो टी स्पून डाले नहीं दो छोटे स्पून डाले और पानी कितना डालेंगे हम छह गिलास पानी कितना डालेंगे छह किलो तीन गिलास कितना डालेंगे मरीन मुझे दे डबल पानी दस है बीस डालेंगे मुझे दे दें नहीं ये इसका अकाउंटेंट नहीं है ना हम चावल डालने लगे और ये उबल रहा है बहुत ज्यादा ठीक है और ये हम चावल डालने लगे चावल होंगे और ये जनाब ये गिरेंगे तो नहीं ढक्कन यू करके रखे हाँ ऐसे लगा के ना आइए वीडियो बनी नहीं वो नहीं आते अच्छा जल मैं रहा हूँ साथ साइड पे बैठ रही हूँ धूप आ रही है कितनी धूप होती है लकड़ी की समझ नहीं आती हाँ हिलाने तो नहीं है ज्यादा नहीं धूप जा हाँ सही आनी है चिकन का सालन किधर बनेगा वो कहाँ बनेगा मैक्रोनी और वो बन चुका है अच्छा मैक्रोनी बन चुकी वो हम दिखाएंगे जब लास्ट में सेटअप लगाएंगे ना खाना जब ऊपर लगाएंगे तब इंशाल्लाह दिखाएंगे उसके साथ भी ला जाएंगे पॉज करते हिलाने लगे कैसे हिलाएंगे ज्यादा जोर के नहीं हिलाते नहीं नहीं बीच में से चमचा दरमियान में रख के बस एक दफा अंकल नीचे गए हैं बस बस अब इसमें चमचा नहीं हिलाना अब कवर कर दो और मसाला डाले गरम मसाला गरम मसाला अब थोड़ी देर इसके ऊपर ढक्कन रख दो ठीक है ये रख दी गोश्त डाल दी गोश्त क्या टेस्ट है हल्का सा नमक कम लग रहा है हल्का सा नमक कम लग रहा है हल्का सा नमक और एक चम्मच हल्का सा एक चम्मच हम समुद्री नमक और डालेंगे ये एक चम्मच हमने नमक डाल दी बहुत है नहीं नहीं ज्यादा हो जाएगा थोड़ा डाल बस एक दफा हिला देंगे वो मेरा बना तो मैं रहा था स्वाब मेरा जाया हो जाएगा चावल में हमने क्यों हमने काट के दिया तो चूल्हा किसने बनाया आग किसने जलाई है मसाले वीडियो बनाना जरा आज सिर्फ लगा देना ये अब दम पे लगने लगे दम लगाने लगे ऊपर कोयले भी डालेंगे इधर कर दूं क्योंकि देश का इधर ओए नहीं प्रेम जी नहीं कमेंट्स करेंगे उसको उठा के ले मैंने कमेंट ना किया उठा के ले आओ आजा मैं नहीं उठा के ला रही चलो अंदर ले आओ उठा के मुझे मोबाइल मिले ये हमने अभी दम लगा दिया ये नीचे से लकड़ियाँ उठा के ऊपर डालेंगी कोयले डालेंगी ऊपर आग कम करनी है इन्होंने क्योंकि आग बहुत तेज होगी साइड पे रख दें हम बुझा देंगे ये अभी हम आग कम करनी है तो फिर साइड पे रखें ना नीचे से कितनी देर में चावल हमारे बने होंगे एक घंटे में कम 30 मिनट्स लेस देन 30 मिनट्स इससे बड़ा तो व्लॉग हो गया मैं नीचे कमेंट करूंगी चावल हमने साफ करके दिए हैं भाई चावल आपने किए कॉन्सेप्ट हमने करके दिए प्याज हमने काट के दिए ये रियान भाई क्या कर रहे हैं आप ये हम दम लगा रहे हैं दम लगा रहे हैं ये दम दमा दम लगा रहे हैं
बस अब आग नहीं और जलानी ना, आग हम हल्की कर रहे हैं। भाई ये देखो आ चुका है। अच्छा कितनी देर के लिए दम लगेगा ये? बस 15 मिनट, 10-15 पंद्रह मिनट में ये पक जाएगा, हो जाएगा। ये गाइस कोयले बनी, ये हमने अब दम लगा दिए अपने चावलों को। 3 से 4 मिनट हो गए, 15 मिनट का दम मुझे बताया है कि जी लगाना है। अब हम इसको कोयले का सिर्फ सेक दे रहे हैं, दम लगा दिया ना ताकि पानी सूख जाए चावल। इसके साथ ही हमारा हो गया खाना रेडी, हम करते हैं खाना एंजॉय, आप करें व्लॉग एंजॉय। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।